अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने जीवन से निराशा रूपी बादलों के अंधेरे को हटाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक मूवी ऐसी बताऊंगी जिससे आपको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी और आप जरूर कुछ ना कुछ उस बात से सीख कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको मूवी का नाम बताऊं या उस मूवी के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको मेरी अपनी कहानी सुननी पड़ेगी। और ये कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आप लोगों की भी कहानी है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, बाहर रह रहा है, पढ़ रहा है और बहुत सारी चीजों को झेल रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेरी कहानी। दोस्तों, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस एक ऐसी जॉब है जिनमें कि इतना ज्यादा ग्लैमर होता है कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता है। मतलब हम में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने जीवन का अनमोल टाइम उस एक एग्जाम को क्रैक करने में लगा देते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जो है वो रह जाते हैं। इसमें समस्या ये है कि आप जब उस एग्जाम को वहां से फेल कर जाते हैं तो आपको तैयारी बिल्कुल जो है वो जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं घर पर ही थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई किया था और हिस्ट्री से जो है मैंने पीजी किया हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं भी इस फील्ड में क्यों ना जाऊं। तो दोस्तों, मैं तैयारी की और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही घर रह के प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया। उसके बाद मेरे फादर को लगा कि नहीं, इसके अंदर कैलिबर है, तो चलो इसको बाहर भेज देते हैं। दोस्तों, मैं सब लोगों की तरह, आप लोगों की तरह ही पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली गई। वहां जाकर दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की और जब मैंने नेक्स्ट टाइम यूपीएससी का एग्जाम दिया तो मैंने उसके मेंस तक जो है वो पहुंच चुकी थी। मेंस लिखे मैंने, लेकिन मेरा मेंस जो है वो क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद दो चार दिन शोक मनाया और फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट ट्राई किया। थर्ड अटेम्प्ट में भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेंस जो है वो नहीं क्वालिफाई हुआ, मैं नहीं उसको कर पाई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उस दौरान भी ये हुआ कि मैंने फिर जो है दो चार दिन फिर शोक मनाया, इधर उधर दोस्तों के साथ बैठकर चाय की टपरी पे चाय पी, मुखर्जी नगर की सड़क के छानी और डिस्कस किया दोस्तों के साथ। खैर अपनी टेंशन को दूर भगा के जो है फिर से मैंने अपने आप को समेटा और फिर से जो है तैयारी में लग गई। अब दोस्तों, चौथा अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे सामने पूरी चुनौती खड़ी हुई थी। मैंने खैर वो अटेम्प्ट को मन लगा के दिया और उसके बाद ये हुआ कि मेरा मेंस क्लियर हुआ और मुझे इंटरव्यू कॉल हो गई। लेकिन बाय लक ये हुआ कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स रह गए थे और जिसके कारण मेरा सिलेक्शन जो है वो कोई 10-12 नंबरों से रुक गया था। तो मैंने सोचा कि अरे यार अब क्या करें, अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था, सारे दरवाजे जो थे वो बंद हो चुके थे। दोस्तों, मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, ना खाने का होश था, ना कपड़े पहनने का होश था, गंदे संदे कपड़े पहन रखे हैं बिना धुले ऐसे ही, और ना किसी से बात करना। खैर वो एक अलग वो है, आज भी मैं आप लोगों को सुना रही हूं ना, तो मेरी तो मुझे मतलब मैं कह नहीं सकती कि उस टाइम पर मेरी क्या कंडीशन हो गई थी। खैर मेरे पापा ने मुझे कॉल किया तो मैंने पापा का फोन कई बार में जो है वो पिक किया। तो पापा बोले कि बेटा ऐसा है, घर आ जाओ आप। मैंने कहा पापा नहीं आना। तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ लेने। तो मेरे फादर मुझे लेने के लिए आए और अपने साथ घर ले गए। तो दोस्तों मैं वहाँ घर पे गई तो थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, अपने बचपन के दोस्तों से मिली, बात करी। तो मैं घर पे बैठी हुई टीवी देख रही थी तो वहाँ उस टाइम पे वो टीवी में एक मूवी आई थी, साडा अड्डा मूवी मैंने देखी। तो उसमें हुआ ये कि उसमें कोई एक फ्लैट था, उसमें कोई पांच दोस्त रहते थे और वो पांचों के पांचों जो है अपने अलग अलग क्षेत्र में जो है वो कार्य कर रहे थे। उन पांचों में से ही एक लड़का था जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो जब उस लड़के का लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं होता तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, जिसके कारण उसके माँ बाप दुखी होते हैं, सब लोग बहुत परेशान होते हैं। ये चीज मैंने देखी दोस्तों और मुझे ये लगा कि मेरी भी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही हो रही थी, इतनी ही निराश थी। लेकिन ये समझो कि भगवान ने थोड़ी सी जो है वो विवेक बुद्धि दी हुई है तो इतनी जल्दी उस चीज पे नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि लोग मेरे घर में मुझे यही सिखाया गया कि भाई अगर सुसाइड करोगे तो तुम कायर कहलाओगे, तुम स्ट्रगलर नहीं रह जाओगे, क्योंकि स्ट्रगल करना जो है वो मुश्किल होता है और सुसाइड करना जो है वो बहुत आसान होता है, समस्याओं से भागना। तो कायर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना था। तो दोस्तों मैंने ये मूवी देखी। उस मूवी में बाद में ये होता है कि जो और दोस्त होते हैं वो अपने अपने फील्ड में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, एक रास्ता बंद होता है दूसरा उनके लिए खुल जाता है। तो जब वो लास्ट में मिलते हैं तो वो सब काफी सक्सेस होते हैं, सबके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, उनकी जो वो गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो भी सब उनके पास होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब वो उस लड़के को याद कर रहे होते हैं, अपने रूम पार्टनर को जो कि सुसाइड कर चुका होता था।
वो कहते हैं कि अगर आज वो जिंदा होता तो, और वो उस टाइम पे सुसाइड नहीं कर रहा होता इतना निराश होके, तो आज वो हमारी ही तरह कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होता और इसी तरीके से अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहा होता। और उसके माँ बाप जो पीछे छूट गए हैं और उसके लिए इतना भाई आज तक वो परेशान है, वो परेशान ना हुए होते। तो दोस्तों इस मूवी ने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा, मैंने उसी क्षण उसी दिन ये निश्चय कर लिया था कि भाई अब निराश नहीं होना मुझे, अब मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना। ठीक है यूपीएससी नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरी चीज देखूंगी। दोस्तों मैं आपसे बताऊं, मैंने इतने सारे एग्जाम्स जो हैं वो, कई सारे एग्जाम्स पास किए हैं और कई सारे एग्जाम्स जो हैं वो फेल किए हैं। तो लोगों की नजरों में भले ये हो सकता है कि भाई मैं फेलियर वो बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम किसी भी चीज को, सक्सेस को जो है वो ये पैमाना बना लेते हैं कि अगर एग्जाम में पास हो गए तो सक्सेस, और अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप जो है फेलियर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, मुझे जिंदगी में फेल नहीं होना था। एग्जाम में भले ही फेल हो जाओ लेकिन जिंदगी में कभी फेल होने की मत सोचना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कुछ और दरवाजा खोल रखा हो यूनिवर्स ने। लाख दरवाजे बंद हो, सब कुछ ये लगे आपको कि खत्म हो चुका है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको प्रयास करते रहना है। एक उसमें सफल नहीं हुए, दूसरे उसमें होंगे, दूसरे उसमें नहीं तीसरे उसमें, तीसरे उसमें नहीं चौथे उसमें। आप सबसे बढ़िया उदाहरण ये सोचिए कि भाई जब अब्राहम लिंकन, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वे सब कुछ गवा चुके, उसके बाद भी वो लास्ट में जाकर कितने बड़े पद पर जो है वो बैठे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों कभी कभी कोई मूवी आपके जीवन में बहुत प्रेरणा देती है, बहुत जो है हमारे जीवन से जो है वो निराशा के बादलों को हटा देती है। दोस्तों आगे बढ़ने का ही नाम जिंदगी है। एक जगह कहते हैं ना कि एक जगह अगर पानी भी रुक जाता है तो वो भी सड़ जाता है, तो सड़ना नहीं है। किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं पर भी कोशिश कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा क्षण, कौन सा पल, कौन सा टाइम आपका बूम कर जाए। तो इसलिए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। दोस्तों ये मूवी मैं कहूंगी कि अगर आपने नहीं देखी है तो इसको जरूर देख के आइएगा। और ये मेरी कहानी ही नहीं है, ये सबकी कहानी है और मुझे मालूम है, लेकिन आज भी जब मैं ये कहानी बोलती हूँ ना तो सच में मुझे मतलब मेरा माइंड आज भी जो है बिल्कुल वहीं चला जाता है और मुझे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ अपनी चीज़ों को लेके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।